दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। बिहार के नियोजित शिक्षक बहुत जल्द ही BPSC टीचर के तौर पर जाने जाएंगे और बिहार के नियोजित शिक्षक जब BPSC टीचर बन जाएंगे तो उनकी सैलरी और उनको कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी, वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि नियोजित शिक्षकों से संबंधित अपडेट लगातार मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की तो अब हो गई बल्ले बल्ले। BPSC टीचर बनते ही हाथ में कितनी आएगी सैलरी, तो बिहार के शिक्षा विभाग में इन दिनों क्रांति जैसा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक पूरी तरह से डिपार्टमेंट का कायापलट करना तय कर चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार के मास्टर साहबों के लिए नया आदेश आया है। अब स्कूल में व्हाट्सएप के जरिए काम करने वाली एक खास परंपरा बंद कर दी गई है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, बिहार में शिक्षा विभाग के 100% एक्शन मोड में है और इसका श्रेय सिर्फ एक शख्स को जा रहा और वो है IAS KK पाठक। कई लोगों को उनके काम करने का तरीका पसंद नहीं है तो कई उनकी तारीफ कर रहे हैं। इन सबसे बेपरवाह जो हैं बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक अपनी धुन में है और इसी कड़ी में अब एक नया आदेश जारी किया गया है। जैसा कि आपको बता दें कि अब बिहार के शिक्षक स्कूल में व्हाट्सएप ऐप नहीं खोल पाएंगे। यह नहीं, उनके लिए प्रोफेशनल दफ्तरों की तरह 9 से 5 का फंडा भी करीब करीब अघोषित तौर से लागू कर दिया गया है। बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि व्हाट्सएप ऐप पर कोई भी आवेदन आधिकारिक यानी ऑफिशियल नहीं माना जाएगा और पहले किसी शिक्षक को छुट्टी चाहिए होती थी तो व्हाट्सएप के जरिए अपनी छुट्टी के लिए आवेदन दे सकते थे, लेकिन अब ऐसा आवेदन लिखित में देना होगा। साथ ही मीडिया में बयानबाजी से भी परहेज करना होगा। यूँ समझिए कि अगर आप बिहार के किसी सरकारी स्कूल में सरकारी या BPSC पास शिक्षक हैं और आपको कुछ ज़रूरी काम के लिए अगले कुछ दिन छुट्टी की आवश्यकता है तो आपको स्कूल में जो है लिखित में जाकर आवेदन देना होगा और तभी आपकी छुट्टी या फिर प्रिंसिपल या प्रभारी विचार करेंगे और फिर छुट्टियाँ देंगे। साथ ही एक नया आदेश जारी हुआ है जिसमें टीचरों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल हाल ही में KK पाठक ने वैशाली के सरकारी स्कूल का दौरा किया और इस दौरान वो एक स्कूल की टीचर से कहते नजर आए कि अगर वह छात्र 5 बजे तक यानी शाम तक पढ़ना चाहते तो उन्हें पढ़ाइए। छात्रों को भी इस दौरान KK पाठक ने नसीहत दी कि पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन विद्यालय में दोपहर 3:30 बजे तक तो आपको रहना ही रहना है। ऐसे में टीचर ये भी सोच रहे हैं कि क्या अब 9 से 5 का प्रोफेशनल कॉरपोरेट फार्मूला उन पर भी लागू होने वाला है। उधर आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर है। नियोजित शिक्षक जो कि BPSC की परीक्षा पास कर गए हैं उनकी तनख्वाह पहले जैसी नहीं रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले से 5वीं तक क्लास तक के जो शिक्षक हैं उन टीचरों का मूल वेतन 25,000 रुपये होगा और DA के रूप में 10,500 रुपये मिलेंगे। आवासीय भत्ता के तौर पर 8% यानी वेतन के हिसाब से 2,000 रुपये दिए जाएंगे। मेडिकल अलाउंस में 1,000 रुपये और पेंशन फंड के लिए 3,500 रुपये यानी कुल वेतन 44,130 रुपये होंगे और कुछ कटौती के बाद खाते में आएगा 40,630 रुपये। वहीं 9वीं और 10वीं क्लास के टीचरों का वेतन बता दें तो 31,000 रुपये उनका मूल सैलरी होगा। DA के तौर पर 13,020 रुपये उन्हें मिलेगा। आवासीय भत्ता के तौर पर 2,480 रुपये, CTA के लिए 2,130 रुपये और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये दिए जाएंगे। पेंशन के लिए उन्हें 4,330 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही वेतन 53,970 रुपये होगा। कटौती के बाद खाते में आएंगे 49,630 रुपये। वही बात करते हैं 11वीं और 12वीं के नियोजित शिक्षक जो कि BPSC शिक्षक बन चुके हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, तो उनका मूल वेतन होगा 32,000 रुपये और बतौर DA 13,440 रुपये मिलेंगे और रेसिडेंशियल अलाउंस 2,560 रुपये मिलेंगे। मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये और कुल वेतन इसमें 55,610 रुपये मिलेंगे। कटौती के बाद खाते में आएंगे 51,130 रुपये। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे कि आपको बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित और भी छोटी बड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे।